हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉर्न टू ट्रैवल। ये वीडियो छोटी सी गांव नाको विलेज के ऊपर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव सिचुएटेड है। इस गांव की पॉपुलेशन मात्र 400 जन है और यहां पे रहने की होम स्टे की क्या सुविधा है, जो इस वीडियो में मैं ये भी दिखाऊँगा, और यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट क्या क्या है वो भी मैं दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको ये सब जानकारी की प्राप्ति मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस छोटे से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। ये रहा आपके सामने छोटा सा विलेज नाको। नमस्ते। तो अभी हम हैं नाको में, नाको जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एक छोटा सा विलेज। 200-300 पीपल्स की पॉपुलेशन है यहाँ। और ये पीछे में मेरा होम स्टे है, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ। और हम लोगों को वेलकम किया गया है और वी आर द फर्स्ट गेस्ट इन दिस होम स्टे। काफ़ी नया होम स्टे है, एकदम लेक के सामने में। और रूम्स भी बराबर है, बहुत ही शानदार रूम्स है। और ये लेक व्यू, ये नाको लेक है। वो ऊपर में मॉनेस्ट्री है, ऊपर से नीचे का व्यू अच्छा आता है, तो ऊपर जाएंगे अभी। और ये टोटल नाको विलेज। तो अभी हम जो हो सकता है लोकल नाको साइट सीन करेंगे, क्योंकि अभी शाम के 6 बज रहे हैं और कुछ देर में रात होने वाली है। और कल हम एक्सप्लोर करेंगे सवेरे 6 बजे से टोटल नाको। तो वो हमारा होम स्टे था, वहाँ से पैदल चलते चलते 15-20 मिनट में ऊपर तक पहुँच गए। और थोड़ा ऊपर जाएंगे, कुछ ही देर में अंधकार हो जाएगी, तो जल्दी से ऊपर घूम के नीचे आते। ऊपर में एक छोटा सा गुफा है, वो भी देखेंगे। और जो ये सनसेट हो रहा है उसका भी आनंद लेंगे। ऊपर से मैं दिखाता हूँ एरियल व्यू कैसे लगता है। ये नाको का पूरा एरियल व्यू है, छोटा सा एक विलेज है कम पॉपुलेशन का, पर अभी आने वाले दिन में यहाँ टूरिज्म काफ़ी एक्सप्लोर होगा, क्योंकि काफ़ी सारे नए नए होटल बन रहे हैं, नए नए होम स्टे बन रहे हैं। चांद को बड़े नज़दीक से देख रहे हैं, ऐसा लगता है उस पहाड़ी में जाने से चांद तक पहुंच जाएंगे। ये एकदम टॉप से एरियल व्यू है नाको का, नीचे में पूरा नाको विलेज नज़र आ रहा है, नाको लेक, नाको विलेज। और मेरे पीछे में एक छोटा सा गुम्फा है एकदम टॉप में। और कल मॉर्निंग में भी आएंगे इधर सनराइज़ देखने। ये गुम्फा है और यहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये आसमान में चांद है। चलो अभी हो गया ऊपर विजिट, नीचे की तरफ जाते हैं। 6:15 बज रही है, लाइट रहते रहते नीचे पहुंच जाएंगे तो बेहतर है। कल मॉर्निंग को फिर से आएंगे, सनराइज देखेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरे इस बॉर्न टू ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे वीडियो को पसंद आता है तो। और तो अभी जैसे हम हैं नाको में, मॉर्निंग 6 बज रहा है अभी। बात तो था ऊपर जाने का, सनराइज़ देखने का, पर प्रकृति को शायद मंजूर नहीं है, इसी कारण से नहीं जा पा रहे, क्योंकि चारों तरफ एकदम क्लाउड्स भर गए हैं।
लगता है कल या परसों बारिश होने वाली है क्या? आज रात ही बारिश होने वाली है ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए आसपास का सिनेरियो, ये देखिए वो पीक में हम गए थे वो अभी बादल से ढकने वाली है कुछ देर में, और ये देखिए कितने तेजी से बादल नीचे आ रहे हैं। ये जो बादल नीचे आ रहे हैं काफी तेजी से, लगता है बारिश होने वाली है शाम को। ऐसे ही अलर्ट दिया है अक्टूबर के 7-8 को कि बारिश हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकती है। अगर स्नोफॉल होती है तो अलग एक्सपीरियंस देखेंगे, क्योंकि आज तक मैंने कभी स्नोफॉल होते हुए देखा नहीं है, तो मेरे लिए तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो मैं अभी खड़ा हूँ मेरे होम स्टे के छत पे, और ये होम स्टे सबसे क्लोजेस्ट है नाको लेक से। चलिए अभी लोकल नाको के विलेज को घूमेंगे, और यहाँ एक मॉनेस्ट्री है वो भी देखेंगे। ये काफी पुराना गुम्फा है जो कि हमने अभी विजिट किया है। अब कितना पुराना है जो आंटी थी वो भी नहीं बता पाई। এখানে এগুলো যেন আরো বেশি লাল। ये एप्पल के बगीचे हैं नाको में, और यहाँ के एप्पल जो कि अभी भी हम किन्नौर में ही हैं, जो कि हम कल्पा या सांगला में देख रहे थे, उससे ज़्यादा लाल है कलर। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर कुछ गुम्फा जैसा आर्किटेक्चर है। ये एकदम पुराने पुराने मकान है नाको विलेज के, सब पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ पे इनकी गाय रहती है। आलू जो चिपक तो एकदम विलेज में है हम, नाको विलेज में, और डेली लाइफ इनका कैसा होता है वो हम देख रहे हैं। सारे पुराने मकान हैं, काफ़ी साल पुराने, और दिन की शुरुआत भी यहाँ काफ़ी देरी से होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई अभी 6:30 बज रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। ये सामने में बादल जो कि हमारे एकदम नज़दीक, और ऐसा एटमॉस्फेयर देख कर भी ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग दूर से आते हैं ऐसी एटमॉस्फेयर देखने के लिए। ये नाको में स्कूल है, तो यहाँ से लैंडस्केप काफी दूर नजर आ रहा है। तो नीचे में छोटे छोटे गांव, यहाँ एक गांव है, वहाँ एक गांव है, वहाँ एक गांव है, छोटे छोटे गांव नजर आ रहे हैं काफी दूर दूर तक। जैसे यहाँ एक गांव है, जैसे हम नाको में है, ये नाको विलेज है,
काफी दूर दूर तक नजर आ रहा है। कुछ अलग ही किस्म का एटमॉस्फेयर है। तुमकी ये नाकू मॉनेस्ट्री है, शायद अब तक खुला नहीं है, तो खुलने के बाद विजिट करेंगे। तो हम मॉनेस्ट्री के पीछे साइड आ गए, तो मॉनेस्ट्री तो क्लोज ही है। तो ये नाको मॉनेस्ट्री के अंदर में हम लोग हैं। तो अभी नाको को बाय बाय करने का समय आ गया। तो काफ़ी अच्छा स्टे था यस्टरडे नाको में। तो अभी 10:30 बज रहे, ब्रेकफास्ट करके सब रेडी हो गए, नाको से निकलेंगे अभी। यहाँ से ये तो किन्नौर के अंदर ही पड़ता है नाको, और इससे आगे पड़ेगा सुमडो, सुमडो तक किन्नौर है, उसके बाद स्पीति डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होती है। तो जैसे हम ये बुद्धा सर्किट कर ले, तो ये कोल्पा, सांगला, साराहन, चिटकुल, ताबो, नाखो, धनकर, काजा, इस सर्किट को बुद्धा सर्किट कहते हैं। काफ़ी सारे गुम्फा यहाँ पे है, तो बुद्धा सर्किट जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो अभी सुमडो से हम जाएंगे ग्यू मॉनेस्ट्री, मम्मी वहाँ पे है, ग्यू मम्मी मॉनेस्ट्री, उसके बाद ताबो जाएंगे। आज का नाइट स्टे हम लोग देंगे ताबो में, और वहाँ भी अगर अच्छा स्टे होता है तो वो जरूर दिखाएंगे। Thank you.
करीबन 2 घंटे की जर्नी करके हम मम्मी क्यू मॉनेस्ट्री में आ गए। और मेरे पीछे ही मॉनेस्ट्री है, हवा बह रही है और हल्की हल्की बर्फ भी नजर आई है। फॉल्स हुआ था नीचे विलेज में भी एक दो उसके होटल चालू हुए हैं, रहने की व्यवस्था भी है यहाँ पे। मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पे छोटे छोटे गांव में ना आने वाले दिन में काफ़ी सारी होम स्टे टूरिज़म एक्सप्लोर होगी, क्योंकि यहाँ पे 10-12 किलोमीटर छोड़ छोड़ के काफ़ी छोटे छोटे विलेज है, वहाँ पे भी रहने की व्यवस्था होम स्टे भी स्टार्ट होने वाली हो रही है। तो आने वाले दिन में वहाँ पे टूरिस्ट आके रहना पसंद करेंगे और यहाँ का 360 डिग्री व्यू मैं दिखाता हूँ। ये पूरा व्यू है, हर तरफ डिफरेंट कलर का पहाड़ है, इधर इधर ब्राउन है, हल्का ब्राउन है, वहाँ ब्लैक कलर के माउंटेन्स। इधर पे गोल्डन कलर के माउंटेन्स है, वहाँ पे सब स्नो पीक्स है। हम ताबो पहुंच चुके हैं, पीछे में हमारा होम स्टे है, एकदम उनके बगीचे में ही एप्पल का काफ़ी सारा एप्पल का बगीचा है। तो अभी हम जा रहे ताबो मॉनेस्ट्री, जो कि 5 बजे बंद हो जाती है, अब 15-20 मिनट समय है। तो यहाँ से पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है ताबो मॉनेस्ट्री, तो उसको देखेंगे। तो हम एंट्री कर चुके हैं ताबो मॉनेस्ट्री और यहाँ भी एप्पल के बगीचे हैं। नाको में इतना एप्पल के बगीचे नहीं थे जितना ताबो में है, मतलब हर तरफ एप्पल के बगीचे हैं यहाँ पे। ये मॉनेस्ट्री है, काफ़ी बड़ा मॉनेस्ट्री है, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर भी है इसका।
अभी मोनिस्ट्री में जाने नहीं दे रहे, पता चल रहा है कि कल सवेरे जाने देंगे, तो कल सवेरे अंदर जाएंगे। और वो ऊपर में काफ़ी सारी गुम्फा नज़र आ रहे हैं, तो कल मॉर्निंग में जाएंगे वो गुम्फा में। अभी हम हेलीपैड में, दाबो के हेलीपैड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर, जो भी VVIP आता है तो उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे आता होगा। और यहाँ से रिवर साइड, मतलब स्पीति नदी का आवाज़ सुनाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ से जाना पड़ेगा। और कल जाएंगे वो गुम्फा में। और वहाँ पे पहाड़ों पे सारे केव्स हैं। तो स्पीति रिवर को बहुत करीब से देख रहे हैं, एकदम हल्का ग्रीन कलर। और सामने में पूरा ताबो विलेज। वो पीक मेरे ख्याल से रियो पोर्गिल हो सकता है।